मानी रहीम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं संडे वाले दिन जी आज मैंने कुछ डिफरेंट सा सोचा था और सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी मेरे हस्बैंड भी उठ गए उसके बाद जी मैंने सोचा कि क्यों ना आज किचन की डीप क्लीनिंग बड़े सुकून से की जाए और बच्चों को आराम से सोने दिया जाए और यकीन करें कि उस दिन जो मुझे मज़ा आया ना किचन क्लीन करके ना तो बच्चों के शोर शराबे चीं चढ़ा और ना ही कोई इधर से बुला रहा है उधर से बुला रहा है बड़े सुकून से मैंने जो है ना आ, क्लीनिंग की पूरे हम लेडीज़ का वैसे भी ये काम होता है ना बल्कि ख्वाब होता है कि हमारा घर हर टाइम साफ सुथरा रहे और नीट एंड क्लीन रहे घर को सन्जा सजाना और संवारना हर औरत का ख़्वाब होता है और उसके बाद ही बस सख्ती आ गई जितने भी थे मेरे पॉट्स वगैरह और फिर मैंने कहा कि नमक दानिया ये सब जो है मिर्च मसाले वाले बॉक्सेस इन तो भी अच्छे से साफ करके बस जल्दी से मैं रख दूँ बाहर आज का व्लॉग बहुत मज़े का है और पूरा व्लॉग जरूर देखिएगा व्लॉग स्किप मत कीजिएगा बच्चों के डोर जो है ना बड़े आराम से मैंने बंद करके आ गई और मैंने कहा कि नहीं आप जो है ना बस मैंने टिका के कि किचन की सफाई करनी है अच्छे से बाकी दिनों में भाग घम दौड़ में ना ये डीप क्लीनिंग जो नहीं होती है तो फिर वीकेंड में ही टाइम मिलता है तो वीकेंड पर फिर इस टाइम का फायदा उठाना चाहिए ये जो आ, स्पाइस बॉक्सिस हैं ना इनको धो के मैंने बाहर रख दिया और उसके बाद जो है मैंने जो किचन का जो स्टोव था उसको भी मैंने बड़े अच्छे से कूच काच के रगड़ के मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया और एक दिन पहले रात को मैंने किचन के जितने भी डोर्स वगैरह थे ना और इनको मैंने बड़े अच्छे से साफ कर लिया था सो so, मुझे आज इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी थी और किचन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो ये मैटर नहीं करता किचन जो है ना वेल आ, सेटल हो और ऑर्गेनाइज किचन हो ना तो उसका अपना एक अलग से मज़ा आता है किचन में काम करने का मेरे हस्बैंड जो है फजर की नमाज पढ़ के उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट लिया और जाके आराम से सो गए मैंने कहा कि आप सुकून से जाके सोएं और जब बच्चे उठेंगे तो आप उस टाइम उठ जाइएगा वो भी जाके फिर हुरैन के साथ लेटे और सो गए स्पाइस टैक्स जो थे ना ये ड्राई हो चुके थे तो बस इनको मैंने जल्दी से फिलअप किया और इनको मैंने रख दिया रखते रखते ही मेरे साथ क्या हुआ कि एक बॉक्स जो है वो नीचे गिर गया शुक्र है कि वो टूटा नहीं फिर हस्बैंड को जैसे किचन से आवाज़ी आ रही थी ना उठ के आगे बाहर मुझे कहते हैं क्या तुम सुबह से लगी हुई हो चलो थोड़ी सी तुम्हारी मैं हेल्प करवा देता हूँ और फिर ये जो वाल क्लैक क्लाक वगैरह जो मैंने हैंग आउट करनी थी वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि छोड़ो ये मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवा देता हूँ और मैं ये करवा देता हूँ साथ उन्होंने थोड़ा सा लहसन सुबह सुबह कभी वो ले लेते ले हैं ताकि उनका बी जो है वो हाई ना हो और फिर भी ये जो ब्लड प्रेशर है ना उनको बहुत ही तंग करता है जब इंसान घर के काम करना स्टार्ट करता है ना तो टाइम में इतनी ज्यादा बरकत आ जाती है और इतना सारा काम करके जो है ना अभी मैंने सोचा कि आज मजेदार किस्म के बनाते हैं जी सैंडविच अबो सैंडविच बनाते हैं और उसके लिए मैंने बॉयल एग करने के लिए रख दिया ऊपर और यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल की शीट थी ना उसको भी मैंने वॉश करना था मैंने सोचा किचन और जितना भी हमारा ये सिटिंग एरिया है ना इसको सारा अच्छे से मैं डीप क्लीन कर दूं आज और रूम्स जो है उनको मैं नेक्स्ट में कर लूँगी किचन साफ़ सुथरा होना उसके बाद कुकिंग करने का भी अपना ही मज़ा आता है जल्दी से मैंने शीट को धो के रख दिया और बाहर धूप बड़े मज़े की निकली हुई थी उसको मैंने धूप में डाला और साथ साथ मैंने वाशिंग मशीन लगा के बच्चों के थोड़े से कपड़े जो थे वो भी वॉश करने वाले थे वो वॉश कर लिए उसके बाद से मैंने जितने भी ये अलमारियाँ खिड़कियाँ वगैरह थी इनको मैंने अच्छे से जो है वो साफ़ किया उसके बाद जो डाइनिंग टेबल था इसको भी मैंने झटपट से जो है वो साफ कर लिया किचन में मैं नाश्ता बनाने गई तो मेरी बेटी उठ के आ गई उसने कहा मामा आपने इतना सारा काम कर लिया है बस अब बैठ जाए जाके अब नाश्ता जो है सैंडविच मैं आपको बना के देती हूँ तो नताशा यहाँ पे एवोकाडो सैंडविच बना रही थी उसके लिए उसने एवोकाडो लिया उसको इसने अच्छे से मैश कर लिया इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर थोड़ा सा साल्ट उसने ऐड कर लिया था उसके बाद एग जो है ये बॉयल हो चुके थे उसको भी उससे स्लाइस में कट कर लिया था अबोकडो जो है ना ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन चूँकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं तो कभी कभार जो है मैं ये सैंडविच शौक़ से बना के खा लेती हूँ पसंद है सैंडविच के अंदर उसे टमाटर जो है उसको भी स्लाइसीज में कट कर लिया था और ब्राउन ब्रेड मैं हमेशा यूज़ करती हूँ अपने लिए बच्चों के लिए मैं वाइट ब्रेड ही यूज़ करती हूँ और हल्का सा बटर लगा के उसने ब्रेड को अच्छे से जो है वो सेक लिया था बड़ी क्रंची ब्रेड रेडी हो गई थी और यहाँ पे मुझे बड़ा प्यारा है अपनी बेटी को देख के दोनों ब्रेड इसने उठा के रखी हुई थी ताकि ये जो इसका मॉइस्चराइज़र है ना वो ड्राई हो जाए और जो हमारे सैंडविच है ना वो सोगी सी ना बने बहुत ही क्रंची बहुत ही मज़े के सैंडविच बने थे और वो जो उसने रखा हुआ था मैश करके वो लगाया ऊपर उसने जो है टमाटो ऐड किए उसने इसके ऊपर थोड़ा सा एग ऐड किए उसने इसके ऊपर जो है ब्लैक पेपर थोड़ा सा पाउडर ऐड कर लिया और लेटिस ऐड करना भूल गई थी वो बाद में उसने मुझे अलग से दे दिए एक उसने रमीज फाइक के लिए भी बना लिया नताशा को बिल्कुल भी एवोकाडो सैंडविच पसंद नहीं है इसलिए वो उसने कहा मामा मैं ये नहीं खाऊंगी उसने अपने लिए जो है वो खै बना लिए थे बस मजेदार किस्म का नाश्ता करने के बाद जी शीट मैंने देखा कि ये सूख चुकी थी तो शीट जो है वो लाके मैंने डाल दी टेबल पे और उसके बाद जी हम लोग जा रहे थे कहा हम लोग जा रहे थे जी पेरिस पेरिस हम लोग क्यों जा रहे थे जी पेरिस हुआ कुछ इस तरह से कि मेरे हस्बैंड ने फेसबुक पे एक ऐड देखा कि पेरिस वाली साइड पे एक पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल में ओपन हुआ है और वहाँ पे जो है पाकिस्तानी बड़ा स्पेशल सा फलूदा था और दही भड़े थे वहाँ पे जितने भी ये चटपटी चीज़ें हैं ना वो वहाँ पे थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो आज चलते हैं बच्चों को लेके थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी साथ हम वहां जाके फलूदा ट्राई कर लेंगे निताशा ने कहा कि डैडी इतनी दूर जाने का क्या फायदा है मामा फलूदा घर में इतना अच्छा सा बनाती है तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मामा हर टाइम लगी रहती है सुबह से सफाइयां भी कर रही है तो नहीं आज चलते हैं थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी हम लोग जी वहां पे पहुंचे ये ताबा आइसक्रीम पार्लर था और बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने तो सकाफती अंदाज़ में इसको डेकोरेट किया हुआ था बहुत ही प्यारा सा मेरे हस्बैंड ने कहा जो जो खाना है बस ऑर्डर कर लो मैंने कहा नहीं पहले थोड़ा सा मंगवा के ट्राई करती हैं उसके बाद कुछ और खाना हुआ तो हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे हम लोगों ने भी ऑर्डर किया जी आ, जो फलूदा था इनका वो ऑर्डर किया और साथ एक मैंने दही बड़े आ, मंगवा लिए निताशा का गोलगप्पे खाने का बहुत दिल था लेकिन हुआ ये कि गोलगप्पे आज उनके पास थे नहीं वो ख़त्म हो चुके थे और मिसैन कहीं पर टिक के बैठ जाए ना ये नहीं हो सकता कभी वो वहाँ और कभी वो वहाँ बैठ रही थी बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से इनका मेन्यू देखते दे के खुश हो रहे थे कि मामा इनके पास देखें क्या क्या चीज़ें हैं जितनी भी आपको चीज़ें पसंद हैं ना वो सारी इनके पास हैं लेकिन आज क्या हुआ आ, वो क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड के हाबों पे पानी फिर गया फालूदा मंगवाया उसके अंदर उन्होंने इतनी ज़्यादा आइस ऐड कर ली थी या आपको जितने भी वाइट चंक्स नज़र आ रहे हैं ना ये सब आइस थी जो हमने भी सारी बाहर निकाली उसके बाद ये यहाँ पे इनके पास जितनी भी ये सवैयाँ थी ना ये सारी फ्रीज हुई हुई थी बहुत ही कोल्ड था उस तरह से मज़ा नहीं आया दही पड़े लेकिन इनके बहुत मज़े के थे बस हमने तीन ही फलूदे मंगवाए कि बच्चे ये ना उखाए ना और प्लस ये ठंडे बहुत ज़्यादा थे इतनी उन्होंने इसमें आइस एक्स्ट्रा ही ऐड की हुई थी तो बस इससे ज़्यादा फिर हमने नहीं मंगवाए एक हमने मंगाए दही बड़े की प्लेट वो हम सब ने बस थोड़ी छोटी सी खाई और उसके बाद ही मेरे हस्बैंड ने बच्चों को यहाँ पे दो कुल्फियाँ भी लेके दी इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी बड़ी स्पेशल सी कुल्फियाँ हैं वो लेके दी और बस ये उसके बाद हम लोगों ने जाना था वापस बच्चों ने कहा कि मामा हमें उस तरह से मजा नहीं आया क्योंकि बच्चों ने तो सिर्फ थोड़ा सा फलूदा ही खाया था कुछ भी नहीं खाया था फिर वहाँ पे एक तर्किश रस्ते में एक रेस्टोरेंट था पिज़्ज़ेरिया तो वहाँ से बच्चों को फिर पिज़्ज़ा लेके वेजिटेबल हुरैन मैडम जो है ना वो इस कदर थक गई थी कि उस बेचारी से जो है वो चला भी नहीं जा रहा था बैठा भी नहीं जा रहा था और मेरे हस्बैंड जो है ना उसको हंसाने पे लगे हुए थे बस और फिर देखते ही देखते है ना उसका ट्यून उसकी बिल्कुल ही चेंज होगी बस कि बच्चे है ना इनके ड्रामेबाजी जो है वो देखने वाली होती है नताशा को मैंने कहा कि नेक्स्ट वीकेंड पे मैं घर में फ़लूदा बना के आप लोगों को ट्राई ज़रूर करवाऊँगी सात आइसक्रीम भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि जब हम लोग पेरिस में थे मैंने तीन चार दफ़ा बनाया था फ़लूदा बहुत ही मज़े का रेडी हुआ था इवन मैंने उसकी सवैयाँ भी घर में ही बनाई थी बस जी यहाँ पे मैं चाहूंगी आप सबसे इजाज़त अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दो में याद चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें लाइक करने में कंजूसी ना किया करें और मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस ने जी अपने ईद की शॉपिंग कर ली है बकरा ईद पे कहते हैं ना कि बस ये गोश्त खाने की ईद होती है लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं हर ईद को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए चाहे आप उम्र के जिस भी हिस्से में हो और बजट में रहते हुए ना अच्छे से कपड़े भी जरूर सिलवाएं बच्चों को भी ले कर दें अच्छा सा रेडी हो ये ज़िंदगी है एक बार मिलती है इसकी कदर ज़रूर करनी चाहिए और ख़ुशी खुशी, खुशी इसको गुजारना चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा कि जी किस किस ने ले लिए हैं जी कपड़े और हमने अभी तक नहीं लिए हाँ मैं अपना ड्रेस पाकिस्तान से ले आई थी और बच्चों का मैं यहाँ से लूँगी जब लूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फिर हम लोग आगे जी वाप ही सब मैं चाहूँगी अब सब चीज़ आप